अजय सिंह चौटाला ने सिरसा के गांव बनवाला पहुंचकर पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही अजय चौटाला ने गांव में बने चौधरी देवीलाल पब्लिक शेड का भी उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में अजय ने कहा कि हम सभी पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे, बादल हमारे मुखिया हैं और अकाली दल सर्वे सर्वा है। अजय ने कहा कि उन्होंने 40 वर्षों से पार्टी को खून पसीने से सींचने का काम किया है। दिग्विजय और दुष्यंत ने लगातार पार्टी को संगठित करने का काम किया है, लेकिन फिर भी अभय ने मुझे और मेरे बच्चों को पार्टी से निकाला। लेकिन अगर अभय में हिम्मत है तो अपनी भाभी नैना को निकाल कर दिखाए। उन्होंने कहा कि अब वो नए झंडे और नए डंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। अजय ने कहा कि मैंने पार्टी तो अभय को सौंप दी है, लेकिन क्या वो पार्टी संभाल पाएंगे? पार्टी संभालने के लिए क्षमता तो होनी चाहिए, साथ ही कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करना होता है। इस दौरान अजय ने कहा कि वो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अन्य किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। हमारा परिवार एक है, वो मेरा अजीज है और उसी घर से खाना जाएगा और उसकी भाभी बना के भेजेगी, उस चीज में कोई फर्क नहीं आया। नैना चौटाला कभी प्रतिपक्ष की नेता बनने की दावेदार थी, ना आज है ना कल होगी, और ना दुष्यंत चौटाला कभी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना। उसने तो सदैव ये कहा कि चाचू मैं तो पार्लियामेंट का कैंडिडेट हूँ। अब चाचा ने संभालना था, पर चाचा अब 70वीं मंजिल से धक्का दे तो फिर क्या करेंगे बच्चे? राजनीतिक दल राजनीतिक तौर पे हम राजनीतिक सूझबूझ से सारे मिल बैठ करके निर्णय करेंगे। हमारा काम है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है, जो देश को जाति पाति धर्म और संप्रदाय के नाम पे बांटने का काम कर रही है, कांग्रेस जिसने सदैव इस देश को लूटने का काम किया है, वो दूर हो। सिंह चौटाला ने कहा है कि नैना अगर स्पीकर को इस्तीफा देती है तो वो उनकी जमान जब्त हो जाएगी डवाली से। किस लिए दे? पहले ये तो बता कर, तू काट देनी तेरे कल ताकत भाई, तेरे पास ताकत है, तूने मेरे को निकाल दिया, बच्चों को निकाल दिया, तू उसने काट दे भाभी ने, अगले दिन मेमोरी कौन जाएगी? यही नहीं, और ये इस काबिल ही नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी पहले पहले ये बात कहते रहे कि भला आदमी, हम भी कहते रहे, पर ये तो इस लायक ही नहीं है। जब से ये प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, आपने देखा है कि महिलाएं सुरक्षित है क्या? दो दो चार चार साल की बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हुई, प्रदेश को बर्बाद करके छोड़ दिया, ये इस लायक ही नहीं है। इनको तो एक पल ही नहीं रहना चाहिए।